हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हिंदी वर्णमाला के बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न को देखेंगे जो कि आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, आपका पहला प्रश्न है, हिंदी भाषा में कितने व्यंजन हैं? हिंदी भाषा में कितने व्यंजन हैं? तो हिंदी भाषा में 33 व्यंजन हैं। आपका अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में कुल व्यंजन है, हिंदी भाषा में कुल व्यंजन कितना है? 33 है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या है, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो व्यंजनों की संख्या कितनी है? 33 है। अगला प्रश्न है, वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? वर्णमाला में स्पर्श व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो कितनी है? 25 है। अब देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। देखिए, अगला प्रश्न है, भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? वर्ण को। ठीक है, इसका सही उत्तर होगा वर्ण। आपका अगला प्रश्न है, भाषा की सबसे छोटी इकाई है, तो भाषा की सबसे छोटी इकाई किसे मानते हैं? वर्ण को मानते हैं। तो इसका सही उत्तर होगा वर्ण। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, अगला प्रश्न क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन सा वर्ण तालव्य नहीं है? ठीक है, वर्ण तालव्य नहीं है पूछ रहा है। तो क तो क्या वर्ण है? कंठ वर्ण है, तो यही वर्ण तालव्य नहीं है, अतः इसका उत्तर होगा क। ठीक है, अगला प्रश्न, हिंदी भाषा में कितने स्वर है? हिंदी भाषा में कितने स्वर है? तो कितने स्वर है? 11 स्वर है। ठीक है, फिर देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, हिंदी वर्णमाला में वर्ण है, हिंदी वर्णमाला में वर्ण है, कितने वर्ण है? तो 52 वर्ण है। ठीक है, अगला प्रश्न है, वर्ण के प्रकार होते हैं, क्या क्या होते हैं? स्वर होता है, व्यंजन होता है और अयोगवाह होता है। अतः सही उत्तर होगा स्वर, व्यंजन और अयोगवाह। अगला प्रश्न है आपका, व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? व्यंजन और स्वर के संयुक्त रूप को क्या कहते हैं? तो इसके संयुक्त रूप को अक्षर कहते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं अगला प्रश्न, वर्णमाला किसे कहेंगे? वर्णमाला किसे कहेंगे? तो वर्णों के व्यवस्थित समूह को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न, वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? वर्णों के समुदाय को क्या कहते हैं? तो वर्णों के समुदाय को वर्णमाला कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती है? हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती है? तो हिंदी में ध्वनियाँ दो प्रकार की होती है, क्या क्या होती है? स्वर और व्यंजन। याद रखना, हिंदी में ध्वनियाँ कितने प्रकार की होती है? तो दो प्रकार की होती है, क्या क्या पूछेगा? तो स्वर और व्यंजन। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है, एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? एक से अधिक वर्णों के मेल को क्या कहते हैं? तो अक्षर कहते हैं। अगला प्रश्न है, लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? लिपि चिन्हों के क्रमबद्ध समूह को क्या कहते हैं? तो इसे क्या कहते हैं? वर्णमाला कहते हैं। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। देखिए, अगला प्रश्न है, जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे कहते हैं, बताओ इसका क्या उत्तर होगा? जिनका उच्चारण स्वतंत्रता से होता है और जो व्यंजन के उच्चारण में सहायक होते हैं उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? स्वर कहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है, सभी स्वर होते हैं तो सभी स्वर क्या होते हैं? याद रखना, अल्पप्राण होते हैं। क्या होते हैं? अल्पप्राण। अब देखते हैं अगला प्रश्न, आपका अगला प्रश्न है, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? तो ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी है? 4 है। क्या क्या है? अ, छोटे ई, उ और ऋषि। छोटे उ और ऋषि। तो याद रखना, हिंदी भाषा में ह्रस्व स्वरों की संख्या कितनी होती है? 4 होती है। अब देखिए अगला प्रश्न, निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? निम्न में दीर्घ स्वर कौन सा है? तो दीर्घ स्वर कौन सा है? आ। आ क्या है? दीर्घ स्वर है। अब देखते हैं अगला प्रश्न, निम्न में दीर्घ स्वर है, निम्न में दीर्घ स्वर है, तो दीर्घ स्वर कौन है? बड़े ई। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल दीर्घ स्वर नहीं है? इसमें क्या पूछा है? मूल दीर्घ स्वर नहीं है। तो कौन मूल दीर्घ स्वर नहीं है? ऑप्शन नंबर डी, ओ जो है वो मूल दीर्घ स्वर नहीं है, संयुक्त स्वर है ये। फिर देखते हैं अगला प्रश्न, प्लुत स्वर कौन सा है? प्लुत स्वर कौन सा है? तो ओम, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर होगा। अगला प्रश्न, किस स्वर के उच्चारण में दीर्घ स्वर से भी अधिक समय लगता है? इसमें पूछा है दीर्घ स्वर से भी क्या
अधिक समय लगता है तो किसमें लगता है? प्लुत स्वर में लगता है। ठीक है, फिर देखते हैं अगला प्रश्न। जिन स्वरों के उच्चारण में दो मात्राओं से अधिक समय लगता है, याद रखना इसमें पूछा है दो मात्राओं से क्या अधिक समय लगता है, उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं? प्लुत स्वर कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अगला प्रश्न। हिंदी स्वरों का वर्गीकरण जब जीभ के भाग के आधार पर किया जाता है तो निम्नलिखित में से कौन सा भेद इनके अंतर्गत नहीं आएगा? तो इसका सही उत्तर क्या होगा बताओ साथियों। तो इसका सही उत्तर है विवृत स्वर। ठीक है, क्या होगा इसका उत्तर? विवृत स्वर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। मध्य स्वर कहते हैं, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, मध्य स्वर किसे कहते हैं? तो याद रखना अ को मध्य स्वर कहा जाता है। ठीक है, अगला प्रश्न। भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? भाषा विज्ञान की दृष्टि से ऊ किस प्रकार का स्वर है? तो 28 का सही उत्तर क्या है? कस्य संवृत है। ठीक है, ऊ किस प्रकार का स्वर है पूछेगा, तो कैसा स्वर है? कस्य संवृत है। ठीक है, फिर देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर संवृत है? ठीक है, इसमें पूछा है कि कौन सा स्वर क्या है संवृत है, तो कौन सा स्वर संवृत है? ऑप्शन नंबर सी, ई संवृत स्वर है। ठीक है, फिर अगला प्रश्न है। अर्ध विवृत स्वर है, अर्ध विवृत स्वर है, तो इसका सही उत्तर होगा ए। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा संयुक्त स्वर नहीं है? इसमें पूछा है संयुक्त स्वर नहीं है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? संयुक्त स्वर कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर सी, उ संयुक्त स्वर नहीं है। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर कंठ तालव्य है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, ए। ए क्या है? कंठ तालव्य है। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। ए और ए का उच्चारण स्थान है, ए और ए का उच्चारण स्थान कहाँ उच्चारण स्थान है? तो इसका सही उत्तर है कंठ तालव्य है। ठीक है, कंठ तालव्य है। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अनुनासिकता है? अनुनासिकता है, ठीक है, ये प्रश्न पूछा है। निम्नलिखित में से कौन से शब्द में अनुनासिकता है? तो इसका सही उत्तर है संभालना। ठीक है, अनुनासिकता है पूछा है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? संभालना होगा। अगला प्रश्न है, अनुनासिक स्वर वाला शब्द है, अनुनासिक स्वर वाला शब्द है, तो इसका सही उत्तर है पाँव। ठीक है, अगला प्रश्न है, कौन से शब्द में अनुनासिक है? कौन से शब्द में अनुनासिक है? तो इसका सही उत्तर है कंटीला। ठीक है, कंटीला। अनुनासिक का आशय ये है कि वायु जो होती है वो नाक व मुंह से होकर बाहर निकलती है जब उसका उच्चारण किया जाता है। ठीक है, तो इसका सही उत्तर क्या होगा? कंटीला होगा। फिर अगला प्रश्न। स्वर के उच्चारण में लगने वाले समय को कहते हैं, स्वरों के उच्चारण में लगने वाले समय को क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। क्या कहते हैं? मात्रा कहते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं अगला प्रश्न। जिन ध्वनियों के उच्चारण में श्वास वायु बिना किसी रुकावट के मुख से निकलती है उसे कहते हैं, उसे क्या कहते हैं? उसे स्वर कहते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं अगला प्रश्न। स्वर किसका भेद है? स्वर किसका भेद है? तो स्वर किसका भेद है? वर्ण का भेद है। ठीक है, फिर देखिए अगला प्रश्न। मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? मात्रा स्वर को क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? समरूप ग्रेफिम कहते हैं। ठीक है, फिर देखते हैं अगला प्रश्न। ओ औ किस प्रकार के वर्ण है? ओ औ किस प्रकार के वर्ण है? तो याद रखना कंठोस्त्या। क्या वर्ण है? कंठोस्त्या है। अगला प्रश्न। किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? किस वर्ण का उच्चारण स्थान कंठ तालु है? तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर डी, ए। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी, ए। अगला प्रश्न है, कर्ण तालव्य कौन सा है? कर्ण तालव्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी, ए, ए सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न। ए के उच्चारण स्थान का नाम है, तो इसका सही उत्तर है कर्ण तालव्य। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। स्वर ए ए का उच्चारण स्थान कौन सा है? तो इसका सही उत्तर है कर्ण तालव्य। अगला प्रश्न। मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो मात्रा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के होते हैं। क्या क्या होते हैं? ह्रस्व, दीर्घ और प्लुत स्वर होता है। ठीक है, तीन प्रकार होते हैं। फिर अगला प्रश्न देखते हैं। वर्ण तालिका के अनुसार
ह्रस्व दीर्घ और प्लुत क्या है? तो ये सब क्या है? स्वर है। क्या है? स्वर है। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है वे है, जिनकी ध्वनि केवल मुख से निकलती है उसे क्या कहते हैं? तो उसे क्या कहते हैं बताओ? उसे निर्नुनासिक स्वर कहते हैं। क्या स्वर कहते हैं? निर्नुनासिक स्वर। फिर देखते हैं अगला प्रश्न। स्वर ध्वनि के प्रकार है। स्वर ध्वनि के प्रकार है तो दीर्घ भी इसके प्रकार है स्वर के, प्लुत भी स्वर ध्वनि के प्रकार है, और ह्रस्व भी स्वर ध्वनि के प्रकार है। अतः इसका सही उत्तर होगा उपयुक्त तीन होगा। ठीक है, फिर देखते हैं अगला प्रश्न। हिंदी की अग्र अवृत्ताकार संवृत स्वर ध्वनि है। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर बी, ई होगा। ई।